पेन का इंतजाम तो करो यार, तो दिखेगा नहीं बच्चों को। अरे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है अब तक? स्टूडेंट आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस, चलो थोड़ा डिले हो गए हम लोग। देखिए आप लोग, हम पढ़ रहे थे सेट। सेट की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा कि यदि किसी एक सेट को हमें प्रदर्शित करना हो, लिखना हो या उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो मैथमेटिकली उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास का स्टूडेंट हमारा टॉपिक हो जाएगा समुच्चय का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, आप एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय को आप कैसे निरूपित कर सकते हैं, कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम आज की क्लास में स्टूडेंट स्टडी करेंगे। स्टूडेंट आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं? यस सर, पढ़ पा रहे आराम से ना? यस। चलो ओके स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो आपके पास टू मेथड्स है। आपका जो सिलेबस कहता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू मेथड्स है, टू फॉर्म है जिनसे आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन फॉर्म को, इन मेथड्स को हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट में फोन ले लेता हूं, तो जरूरी कॉल आ गया। एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, टू मेथड्स है। इसका फर्स्ट मेथड है रोस्टर, या हम कह सकते हैं
तालिका, तालिका कह दीजिए या सारणीबद्ध रूप कह दीजिए। रोस्टर ऑब्लिक टेबुलर हो। यदि किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो जो फर्स्ट मेथड है वो आपके सामने मैंने नोटेट कर दिया है, रोस्टर फॉर्म कह दीजिए आप इसको, या इसको आप सारणीबद्ध फॉर्म कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रोस्टर ये हम कह सकते हैं सारणीबद्ध रूप। ओके क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, यदि किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, प्रदर्शित करना हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, उस सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, उस सेट के पास, उस समूह के पास जो वस्तुएं होती है, उन सभी वस्तुओं को हम उस सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं, उस सेट के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं एलिमेंट्स का यूज करूंगा, मैं अवयवों का नाम लूंगा, इसका मतलब है उस सेट के पास वस्तुएं, जो वस्तुएं उसके पास है, तो अब आगे चल के वस्तु ऐसे यूज नहीं करेंगे, जैसे आपकी कक्षा में स्टूडेंट्स है तो हम स्टूडेंट्स यूज नहीं करेंगे, जैसे इंग्लिश लेटर्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश लेटर यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे एलिमेंट्स, एक कॉमन वर्ड है सभी वस्तुओं को, हम यहां इस लेसन में मैथमेटिकली एलिमेंट्स अवयव के नाम से जानेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यदि किसी भी सेट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका क्या मेथड होता है, क्या उसके रूल होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट, नंबर वन क्या होता है इसके अंदर, यदि किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उसके सभी एलिमेंट्स को जानते हो। अगर आपको कहा जाए कि उनको लिस्टेड कीजिए, उनकी लिस्ट बनाइए आप, तो आप लिस्ट बना सकते हो। अगर आप लिस्ट बना सकते हैं तो आप उस सेट को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते, मतलब आप सभी एलिमेंट्स को नहीं जानते, आप कुछ एलिमेंट्स को जानते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपकी जानकारी में नहीं है, तब आप समझ लीजिए कि आप उस सेट को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो पहली शर्त इसकी यही है कि उस सेट के सभी एलिमेंट्स की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तब जाकर हम रोस्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो इसकी पहली शर्त यही है, रोस्टर फॉर्म के लिए पहली शर्त मैं यहां नोटेड कर रहा हूं, समुच्चय के प्रत्येक अवयव, को लिखा जाता है, ये इसकी पहली शर्त है। लिस्टेड करना है आपको इस सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स है, उन सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना होता है। यदि आप लिखने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे मैं सभी एलिमेंट्स को जानता ही नहीं हूं, तो फिर मैं लिख कैसे सकता हूं, तो आप समझ लीजिए कि आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रोस्टर फॉर्म से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है जो हमने यहां पर देखी, इसको एप्लीकेबल होना जरूरी है। दूसरी शर्त क्या है, प्रत्येक अवयव को लिखना होता है, एक भी एलिमेंट आपको मिस नहीं करना है, सिंगल एलिमेंट अगर मिस हो गया,
आपने हजारों एलिमेंट्स लिख दिए लेकिन एक सिंगल एलिमेंट भी आपने यहां पर मिस कर दिया तो आपका ये सेट यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो एवरी एलिमेंट्स को आपको राइटिंग में लेना होगा, लिस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन क्या है, जो एलिमेंट्स आप लिखेंगे उन एलिमेंट्स को सेपरेट रखने के लिए दो अलग अलग एलिमेंट्स दिखे उसके लिए उनके मध्य में कोमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां इसकी सेकंड कंडीशन है, प्रत्येक दो अवयवों को पृथक पृथक रखने के लिए इनके मध्य में कोमा साइंस में आप जानते हैं ये कोमा ना, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अगर आप कोमा चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ये दो एलिमेंट है या ये सिंगल एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने, आपको पहला एलिमेंट लिखना है सीता, दूसरा एलिमेंट लिखना है आपको राम। अगर स्टूडेंट्स ने कोमा चिन्ह यूज कर लिया तो सबको ये समझ में आएगा कि एक एलिमेंट सीता है और दूसरा एलिमेंट राम है। एक एलिमेंट सीता और दूसरा एलिमेंट कौन है? राम, ठीक है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट्स ने कोमा साइन नहीं लगाया तो हो सकता है ऐसी भ्रम की स्थिति बने कि पढ़ने वाला उसको क्या पढ़े, सीताराम, और सीताराम क्या हो गया उसके लिए, सिंगल एलिमेंट्स। जबकि लिखने वाले की सोच क्या है, सीता एक एलिमेंट है, राम दूसरा एलिमेंट है, लेकिन पढ़ने वाला जो लिख रहा है वो पढ़ नहीं रहा, पढ़ने वाला कोई दूसरा हो सकता है, तो उसको कैसे पढ़ेगा, सीताराम, और सीताराम कोई एक एलिमेंट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है हर दो एलिमेंट्स के बीच आप उनके कोमा चिन्ह लगाएंगे, क्यों, ताकि वो सेपरेट दिखे, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन हमें उन दो एलिमेंट्स के बिटवीन न हो। तो इसकी सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट एवरी एलिमेंट्स को आपको राइटिंग में लेना है, उसकी लिस्ट बनानी है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट्स, इसका ध्यान रखना। अगर आप इसको मिस कर देंगे इस वर्ड को तो फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। और सेकंड, प्रत्येक दो एलिमेंट्स को आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो उनके मध्य कोमा साइन का यूज करेंगे। एंड लास्ट कंडीशन, क्या है, सभी जो एलिमेंट्स हैं अगर आप लिस्टेड करेंगे तो अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनमें बिखराव होता है, ऐसा दिखता ही नहीं है कि ये सभी एलिमेंट एक समूह के रूप में है, संगठित है, ऐसा दिखता नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपके साथ में रखता हूं, जैसे आपको हम आपका इंटरवल टाइम होता है तो आप ग्राउंड में आ जाते हैं, रूम में भी रहते हैं, है ना, सब मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास का स्टूडेंट है, पता ही नहीं रहता है, आसानी से इसको समझा नहीं जा सकता, वो बिखरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका स्टडी टाइम चलता है, कोई क्लास चल रही होती है, तब आसानी से पहचाना जा सकता है कि इस रूम में जो कक्षा है वो इलेवंथ है, ये ट्वेल्थ है, ये टेंथ है, तो संगठित दिख रहा है। रूम की जो चार दीवार होती है उससे ये संगठन दिखता है कि हाँ ये जो समूह है, ये जो समुच्चय है, ये अपने आप में संगठित है, ये इसके विद्यार्थी है, ये इसके एलिमेंट्स है। तो संगठित रखने के लिए जितने भी एलिमेंट्स इस समूह में है, इस समुच्चय में है, उनको एक साथ रखने के लिए, एक समूह में प्रदर्शित करने के लिए हमें एक कोष्टक का प्रयोग करना पड़ता है। और वो जो कोष्टक का प्रयोग करेंगे वो हम मंजिला कोष्टक का प्रयोग करेंगे, कर्ली ब्रैकेट।
तो सभी अवयवों को संगठित रूप से प्रदर्शित करने के लिए सदैव आपको मंजला कोष्ठक, ये बना देता हूं मैं, ये वाला का प्रयोग करना होता है। ये थ्री कंडीशंस है, जो समूह है उसके एलिमेंट्स भी होंगे, 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सभी एलिमेंट्स एक ग्रुप में दिखे तो जरूरी है उनके लिए आप एक ब्रैकेट का यूज करें, और वो ब्रैकेट जनरली हम ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट होता है, मंजला कोष्ठक होता है, वो यूज किया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसके जगह दूसरा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप छोटा कोष्ठक यूज नहीं कर सकते, बड़ा वाला कोष्ठक यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको कुछ ढील यहां पर मिली हुई है, रिलैक्सेशन है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो राइटर्स है, जो बुक बना रहे हैं, बुक को प्रिंट कर रहे हैं, है ना, और जो सिलेबस बना रहे हैं, वो ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। मैक्सिमम 99% जगह आप सेट में ये वाला ब्रैकेट देखेंगे, लेकिन ये मत समझना कहीं किसी सेट में आपने कोई दूसरा ब्रैकेट मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल गलत हो गया, नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, उसकी सोच है कि मुझे ये यूज करना है तो वो यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन 99% केसेज में आप कोई पेपर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, है ना, आप कहीं भी कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, तो ये वाला ब्रैकेट वहां पर आप आम तौर पर देखते हैं, इसलिए हमने ये ब्रैकेट लिया है, और जनरली हम यही यूज करते हैं और लगभग पूरी दुनिया इसको यूज करती है। ओके, तो दोबारा देख लीजिए, एक बार हमने सब कुछ लिख लिया है, एक बार देखिए। समुच्चय का निरूपण, निरूपण का अर्थ होता है कि एक समुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिकली एक समुच्चय को लिखना हो तो लिखने की विधि क्या है, लिखने का तरीका क्या है, तो हमारे पास टू मेथड्स है, टू फॉर्मेट है। तो फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको हम बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ओके स्टूडेंट, इसकी थ्री कंडीशंस है। थ्री कंडीशंस में क्या है, फर्स्ट कंडीशन, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को लिखा जाता है, एक भी एलिमेंट आपको छोड़ना नहीं है, अगर छूट गया है तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। यदि आप एलिमेंट्स की जानकारी नहीं रखते हैं कि आप रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एलिमेंट को आप जानते ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, एवरी एलिमेंट्स को राइटिंग में लिया जाएगा। सेकेंड, प्रत्येक दो एलिमेंट्स को सेपरेट रखने के लिए उनके बिटवीन आप कौन सा साइन यूज करेंगे, कोमा साइन, जो आप यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे दो वर्ड्स को अलग करना हो तो कोमा लगा देते हैं, दो नाम को अलग करना हो तो कोमा लगा देते हैं, सेपरेशन के लिए हम कोमा साइन यूज करेंगे यहाँ पर। और थर्ड कंडीशन है, सभी अवयवों को एक समूह के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, एक साथ दिखाने के लिए आपको एक ब्रैकेट का यूज करना होता है, और जनरली वो मंजला ब्रैकेट आपको यूज करना होता है। ये थ्री कंडीशन है, यदि किसी भी सेट में आप इन थ्री कंडीशन को यूज करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म के नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म के नाम से स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि कैसे कैसे हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं। अब इसमें छोटा सा नोट और डाल लेते हैं हम लोग, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट, नोट वन, ये आपको कुछ हेल्प करेगा। यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट्स को लिस्टेड करेंगे आप, लिस्ट बनाएंगे उनकी आप, तो उनको लिस्टेड करना है एवरी एलिमेंट्स को, तो एक कंफ्यूजन आपके सामने होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि सर हम लिस्टेड जब करेंगे तो फिर उनमें ऑर्डर का क्या होगा, क्रम का क्या होगा, कौन से एलिमेंट्स को हम फर्स्ट लेंगे,
कि सेकंड कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, ऐसे 100 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होगा, इसका क्या ऑर्डर है? तो यहां नोट में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स में कोई ऑर्डर नहीं होता। आप किसी भी एलिमेंट्स को पहले बात कर सकते हैं, उसका पोजीशन बदल सकते हैं, पोजीशन बदलने पर उस सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एज एग्जांपल आपकी कक्षा में आज आप जिस सीट पर बैठे हैं वो एक सेट है, अगला दिन आएगा आपने सीट चेंज कर ली तो भी वो सेट है, सेम सेट है, डिफरेंट नहीं है, वही सेट है, बदला नहीं है ये, तो ऑर्डर होता ही नहीं है। आप किसी भी एलिमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हैं, ये इसकी फर्स्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समुच्चय के अवयवों के मध्य क्रम का अस्तित्व नहीं होता, नहीं होता है। क्रम का कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है इसके अंदर। आपको जो एलिमेंट्स पहले दिमाग में आया उसको लिख दीजिए, फिर दिमाग में कौन सा आया आपके माइंड में ये, तो ये लिख दीजिए, फिर कुछ आया तो वो लिख दीजिए, लिखना सारे एलिमेंट्स को है, लेकिन ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचना कि आपने एक लिस्ट बनाई, आपके फ्रेंड ने भी वही लिस्ट बनाई, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सेट और आपके फ्रेंड का सेट इक्वल सेट है, अगर दोनों में एलिमेंट समान है तो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी समान हो, एलिमेंट्स भी समान हो, तो वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए इनमें कोई क्रम नहीं होता है। सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते। एक एलिमेंट को सेट में आप एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं कर सकते आप। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट नहीं है, करेक्ट होते हुए भी करेक्ट नहीं है। सामने वाला जो उसकी चेकिंग कर रहा है वो क्वेश्चन मार्क्स डालेगा कि आपके पास अभी पूरा नॉलेज नहीं है, अभी सीखने की आपको आवश्यकता है। तो जरूरी है कि हम इनका ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो सेकंड नोट क्या हो जाएगा, सेकंड नोट है ऐसे ले देता हूं मैं, कोई भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको मैं ठीक कर देता हूं, रिपीटेशन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट होकर आप लोगों को नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी कंडीशन है। जिसने इसको समझ लिया बस उसको ये फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गया। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल कैसे लेते हैं, जैसे आप कोई भी एक सेट लिखना है आपको, क्या सेट लिखना है, एक सेट लिखना है जो आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल भी दिया था, यहां से स्टार्ट करके अच्छा होगा। जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्वरों का समुच्चय लिखना आपको, वोवल्स इसका समुच्चय लिखना भैया आपको। ओके लिख देंगे, ये आपका एग्जांपल नंबर वन हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है उनका समुच्चय लिखना है, सब जानते हैं, बताइए आप। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है 26 लेटर्स उसमें होते हैं, और वो कौन से लेटर्स है, कितने लेटर्स है जिनको आप वोवल्स के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, फाइव एलिमेंट्स होते हैं, वेरी गुड, काउंटिंग करेक्ट है। अब आपको बताना पड़ेगा वो एलिमेंट्स कौन से हैं।
A-E-I-O-U. गुड। अगर आप एलिमेंट्स को नहीं जानते तो आप समझ लीजिए फर्स्ट कंडीशन को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो भी समुच्चय आप लिखना चाहते हैं उसके प्रत्येक अवयव को लिखना आवश्यक है। अगर कोई ये कहता है कि सर मैं वोवल्स को जानता ही नहीं, तो फिर मेरे साथ क्या होने वाला है, तो हम उसे कहेंगे कि आप इस सेट को इस रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा, उससे आप लिखना उसको ना, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास जितने भी वोवल्स है वो ले लेते हैं हम, A, E, I, O, U. फाइव वोवल्स होते हैं स्टूडेंट्स, लिख लिया हमने। सेकंड कंडीशन क्या है, इनको सेपरेट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बिटवीन कोमा साइन लगाना पड़ेगा। ये सेकंड कंडीशन हो गई है। थर्ड कंडीशन क्या है, सभी एलिमेंट्स को एक समूह में रखने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है, ऐसे ताकि ये एक समूह में दिखे, बिखराव ना हो, इसको एक बाउंडेड किया जाता है। दिखा दिया हम लोगों ने, तो ये एक सेट हो गया। क्या हो गया, ये सेट। इस सेट के इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इसको सारणीबद्ध कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा हमें शॉर्ट साइन देना है, एक सेट हमने लिख तो दिया, लेकिन अगर इसको शॉर्ट साइन देना है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है अगर किसी भी सेट को कोई भी मैथमेटिकली साइन देना हो तो आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ए यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, सी यूज कर सकते हैं, ना। जैसे आपकी फैमिली में जितने मेंबर है सबका अपना नाम है या नहीं है, सबका नाम है, ऐसे सेट को भी हम कोई नाम देते हैं तो कैपिटल लेटर से देंगे हम। हमारी इच्छा हो गई कि आप हमारे लिए फर्स्ट सेट है तो क्यों नहीं फर्स्ट लेटर दे देते हैं, और फर्स्ट लेटर कौन है, ए। अगर हमें सेकंड सेट और लिखना है यहाँ पर, अब सेकंड सेट को ए नहीं दे सकते क्योंकि ए तो ऑलरेडी बुक है, तो फिर आपको क्या देना पड़ता है, बी देना पड़ता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपकी फैमिली में अगर रमेश है तो दूसरा सदस्य रमेश नहीं होगा। हम कोशिश करते हैं एक जैसे दो नाम न हो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन बना रहेगा। आप बात किस रमेश की कर रहे हैं और समझने वाला दूसरे रमेश की समझ रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है हर मामले के अंदर, ठीक है। इसलिए हम एक क्वेश्चन में अगर एक सेट को ए नाम दे देते हैं तो उस क्वेश्चन में दूसरा सेट बी होगा और थर्ड सेट लिखेंगे सी होगा, डी होगा, ऐसे होगा, ओके। तो ये हमने नाम दे दिया। अब नोट के बारे में पढ़ते हैं, नोट देखिए आप। नोट क्या कहता है, समुच्चय के अवयवों के मध्य क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता, इनमें कोई ऑर्डर का मतलब ही नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू, मान लो किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, ई, ए, ओ, आई, है ना, ऐसे यू रह गया, यू रह गया, यू। अगर किसी स्टूडेंट ने ये लिख दिया, कॉमा साइन लगा ही दिया, फाइव वोवल्स है सभी को लिख ही दिया उसने, और ये आपका ब्रैकेट हो गया, वो भी ब्रैकेट, तो क्या ये करेक्ट नहीं है? ऑर्डर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको जो एलिमेंट पहले याद आता है, जहां आपकी इच्छा बनती है कि इसको मैं पहले इसको बाद, तो आप अपनी चॉइस के बेस पर आंसर दे सकते हैं। तो हम इन दोनों के बीच इक्वल साइन लगा देंगे। हम इक्वल क्यों लगा देंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स आप रखते हैं वही एलिमेंट आपके पास है। आप फाइव एलिमेंट्स है तो आप भी फाइव एलिमेंट रखते हैं, और नंबर से ही मतलब नहीं है, एलिमेंट भी सेम है, ए यहाँ है तो ए यहाँ भी है, पोजीशन चेंज हो सकती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और ऑर्डर बदल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नोट पे आ जाओ आप, किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, ए सिंगल टाइम है, कहीं भी रिपीट होके डबल नहीं आ रहा, ट्रिपल नहीं आ रहा, ई सिंगल टाइम है, आई सिंगल है, ऐसे। तो रिपीटेशन यहां पर किसी भी एलिमेंट्स की परमिशन नहीं है। अगर आप ए को टू टाइम लिख देते हैं तो वो अपने आप में एक एरर है, अगर आपको कुछ स्कोर मिलेगा भी तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, एक एरर, ठीक है स्टूडेंट्स।
आज की क्लास में हमारे पास 10 मिनट्स और रिमेनिंग है, और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में हम लोग अब जगह थोड़ा बनाना पड़ेगा, आपके स्क्रीन पे इतना ही आ रहा है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ इस जगह में, कंडीशंस को एक बार रख लेते हैं हम लोग। यहां तक आ रहा है ना, ये एग्जांपल नंबर सेकंड आ गया। एग्जांपल नंबर थोड़ा नीचे कहेंगे हम लोग, थोड़ा नीचे लिखो, थोड़ा नीचे लिखो, दिख नहीं रहा ना आपको? ओके ओके, यहाँ लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर सेकंड, ये दिख रहा ना? हाँ। ओके, देखो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, कोई भी हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके सभी एलिमेंट्स को हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वो इसमें लेना भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो हमने एक वर्ड ले लिया मैथमेटिक्स, एम ए टी एस ई, एम ए टी आई सी एस, के अक्षरों का समुच्चय, जो लेटर्स है का समुच्चय लिखना हम लोगों को। आपके पास जितने भी लेटर्स है उनको लेकर आपको एक सेट लिखना है, दिख रहा है आपको? मैथमेटिक्स ये भी नहीं दिख रहा, मैथमेटिक्स सुन लो आप, मैथमेटिक्स नीचे करोगे इसको मैं थोड़ा? मैं कैमरे को थोड़ा तो ऊपर कर देता हूँ, फिर आपको दिखने लग जाएगा। ये लो, अभी तो दिख रहा है ना, काम चल जाएगा। हाँ सर, ठीक है। मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसके पास कुछ लेटर्स है और उन लेटर्स को लेकर एक सेट लिखना है, ओके। तो आप एक एक करके लेटर्स लीजिए आप, जैसे हमने एम ले लिया, और कॉमा साइन आप लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेपरेट रखना है, हमें कोई वर्ड थोड़ी बनाना है। अगर हमें कोई एक वर्ड तैयार करना हो तब तो हम कॉमा साइन हटा देते हैं, लेकिन अगर सेट बनाना हो तो सेट के पास एलिमेंट्स होते हैं और हर एक एलिमेंट अपने आप में अलग होता है। तो एम को हम अलग रखेंगे, अगला लेटर कौन हो जाएगा? ए। अगला लेटर कौन हो जाएगा? टी। अगला लेटर कौन हो जाएगा? एस। नेक्स्ट ई। नेक्स्ट एम नहीं लेंगे, एम आ रहा है, नेक्स्ट कौन आ रहा है? एम। लेकिन M. आपका जो नोट क्या कहता है, रिपीट ना हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसकी शर्त है। रिपीट कर देंगे तो उसमें एरर रहेगा 5% का, 10% का, ये टीचर की सोच है कितना रहा। रिपीट कर सकते हैं लेकिन आपका स्कोर पूरा नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं नोट डाल के पहले ही क्लियर कर रहा है, रिपीट नहीं करना है। चलो ठीक है, एम ऑलरेडी आप, हमने आपको शामिल कर लिया, ये रहा है। फिर ए, ए भी ऑलरेडी है, आ रहा है। टी, टी भी ऑलरेडी है, आई, आई को लेना ना अपने को, आई टी एच, ओके आई लीजिए। अब आई, आई के बाद कौन आएगा? सी, एंड नेक्स्ट एस। जितने भी एलिमेंट्स है हमने ले लिए हैं, सबको जानते थे, हमने ले लिया और हमने किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया है, ओके। कॉमा साइन लगा ही दिया है, आप जानते हैं ब्रैकेट का यूज आपको हमेशा करना है। अभी सेट को कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आप फिर से ए दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन चेंज करते हैं, वापस ए नाम दे सकते हैं आपको। आप चाहें तो बी भी दे सकते हैं, आप चाहें तो सी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम देने से, ठीक है। चलो हमने इसको नाम दे दिया, चलो आपका नाम हो गया बी। अब आप समझ लीजिए इसको, आप ये रोस्टर फॉर्म है, मैथमेटिक्स के पास जितने भी लेटर्स है उन लेटर्स का यूज करके हमें एक सेट लिखने के लिए बोला गया था, तो हमने ये सेट लिख दिया है। अब चेक कर सकते हो, प्रत्येक एलिमेंट्स को लिखा, हाँ लिखा, प्रत्येक दो के बीच कॉमा साइन लगाया, लगाया, सभी अवयवों को संगठित के लिए मंजिला कोष्ठ लगाया, हाँ लगाया। नेक्स्ट क्या था, नोट क्या कहता है? सावधानी, ये सावधानी है, आपको अलर्ट कर रहा है कि सावधान है ना, कैसे अटेंशन कर रहा है आपको, समुच्चय के अवयवों के मध्य क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऑर्डर। कोई कहे एम कैसे आ गया पहले, जो हमारे अल्फाबेट्स है इंग्लिश में वो ए से स्टार्ट होना चाहिए था, ए से लिखूंगा मैं तो, हाँ लिख दो ना, तो कोई मना कर रहा है, ऑर्डर तो होता ही नहीं है, ऑर्डर आपके चॉइस में है, आप जो चाहे लिखे, इनको चेंज करने से सेम सेट रहता है, कोई अंतर नहीं होता। सेकंड क्या है, किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन ना हो, तो रिपीटेशन कहीं भी नहीं है, हर एक एलिमेंट सिंगल टाइम है, और एक भी एलिमेंट हमने मिस भी नहीं किया है, छूटना भी नहीं चाहिए, ये तो हमने पहले लिख दिया, प्रत्येक अवयव को लिखना है,
ये इसकी पहली शर्त हो गई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कुछ कॉमन है, पहले जैसा एग्जांपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो आप, स्पेलिंग सही नहीं है। दयाली, ये स्पेलिंग हो जाएगी ना, के अक्षरों में से स्वरों का समुच्चय, वोवल्स को निकालना है, ओनली वोवल्स को। बताइए आप, क्या डी वोवल है? है? अरे डी कैसे हो जाएगा? डी को आप स्वर पहले ई तो है, ई तो है, ई हाँ ई है, वेरी गुड, ठीक है। सुनने में कंफ्यूजन था, डी नहीं है, डी को नहीं लिया जा सकता, ई को लिया जाना, डी दिखाई नहीं दे रहा, एस भी नहीं आएगा, दिखाई नहीं दे रहा, एल भी नहीं आएगा और आई आएगा। ओके, तो ओनली टू लेटर्स को लेकर सेट बनेगा, ई आई, और सेपरेशन के लिए कॉमा, और एक ग्रुप बनाने के लिए, समूह में रखने के लिए ब्रेकिट, और उसका कोई भी नाम आप दे देंगे, वापस हमने ए नाम दे दिया तो दे दिया, क्योंकि जैसे एग्जांपल चेंज हो गया वापस हम ए पर आ जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो गया वापस हम ए से शुरुआत करेंगे। एक ही क्वेश्चन में अगर हमें दो सेट लिखने हो तो ए को हम ए, ए को बी कहेंगे, तीन हो तो फिर सी पर चले जाएंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे सेट को लिख देते हैं। आप देख लीजिए, आप इसके अंदर नोट भी देख लीजिए, क्रम का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दीजिए, आप आई ई ऐसे लिख दीजिए, ये भी इक्वल है, इसके दोनों सेम है। सेकंड, रिपीटेशन ना हो, कोई रिपीट नहीं है, आई आप सिंगल टाइम है, ई ये भी देख लो। फर्स्ट कंडीशन, एवरी एलिमेंट को लिखना है, तो जो जो वोवल्स है बस ओनली टू वोवल्स ही रखता था, दोनों लिख दिया हमने, कॉमा हमने लगाई दिया है और ब्रैकेट हमने लगाई दिया है, इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, बस ऐसे ही करना है। आज की क्लास में हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, कल की क्लास में हम सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं, चलो थर्ड है, ये देखिए आप, कोई भी आप एक संख्या है, इस संख्या के अंकों का समुच्चय लिखना है, चलो कौन बताएगा? अब तो काफी कुछ सिंपल हो जाना चाहिए अब तक तो, और एग्जांपल भी हम मिलते जुलते ले रहे हैं एक बार के लिए। एक दो दो तीन चार पांच नौ, नहीं आपने टू को रिपीट कर दिया, टू टू ना, हाँ सर, हाँ बता दिया, एक एलिमेंट को आप एक ही बार लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम, थ्री फोर वन फाइव नाइन टू, बस। और अगर फिर से टू लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, जिसकी परमिशन है ही नहीं, यस सर। कॉमा आपने यूज कर ही लिया है, ब्रेकेट आपने यूज कर ही लिया है, इसको आप नाम दे दीजिए, आपकी इच्छा हो रही है तो इसको मैं नाम दूंगा एक्स, एक्स दे लीजिए, ऐसा नहीं है ना, नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करना होता है आपको नाम, ठीक है। अगर इसी के अंदर में लिखना हो सम अंकों का समुच्चय, इसी के अंदर संख्या के पास जितने भी अंक है उनमें से केवल आपको सम अंकों को लेना है, तो देखो कैसे लेंगे हम संग, आप नहीं हो दो और चार है, तो फोर वन नहीं है, फाइव नहीं है, नाइन नहीं है, कौन हो जाएगा? टू, ओनली सिंगल टाइम आएगा, और इसको हमने नाम दे दिया वाई, ऐसे दे सकते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं, देखो हम जेड भी लिख सकते हैं, जेड सेट कैसे